C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अगली मुलाकात होगी मंगलवार को। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जाना I love you, you love me। रिवा जहाँ थी वहीं पे जाओ। एक बार अपने दिल से पूछो, तुम्हारी मीरा कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती है क्या? ये क्या है विवान? ये टेस्ट के पेपर्स हैं। आप सब सोच रहे होंगे किस चीज का टेस्ट? मीरा के कुवारेपन की जांच। मैं जानना चाहता हूँ कहीं तुमने ये लक्ष्मण रेखा पार की है या नहीं। तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी मीरा। कैसे लगा? तुम्हें इतनी आग लगी हुई ना, तो जाके टेस्ट करवा ले। आप सब सोच रहे होंगे किस चीज का टेस्ट? मीरा के कुवारेपन की जांच। मैं जानना चाहता हूँ कहीं तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी मीरा। तुम जानना चाहते हो ना मैं क्यों कर रही थी वो सब? तो आप मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसे अब तेरा राम यहाँ आएगा मेरी लंका में, मैं चलाऊंगा उसे। तेरा और तेरी लंका का अंत मेरा विमान करेगा। देखियो आज मैं तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत करूंगा। कल देखना ना भूलें, मीरा और विमान सनी के इस हमले से बच पाएंगे या नहीं। पर ये हुआ कैसे? कौन कर सकता है सर? है एक राक्षस जिसका वध करना भी बाकी है। अब आप ये पट्टी खोल दो। कल देखना ना भूलें। अस्पताल में सारी बत्तियां क्यों बंद कर रखी है? मेरे को अपने क्यों नहीं है? क्या मीरा की आंखों की रोशनी वापस आएगी? क्या वो अपने आप को इस रूप में स्वीकार? ये लाल किताब कह रही है ये जो परीक्षा तेरी बेटी भुगत रही है वो उसके कर्म नहीं, उसके पति के कर्म है। कल देखना ना भूलें कि क्या वाकई मीरा की इस हालत का जिम्मेदार विवान कपूर है या कोई और। कल देखना ना भूलें। विवान को फोन 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 कैसे करूं? दरवाजा खोल। क्या मीरा अपने आप को सनी से बचा पाएगी? दर्द देके ना तभी मेरा मकसद पूरा होगा। सनी तू यहाँ? पहले ही तू मेरी और विवान की जिंदगी में इतना जहर घोल चुका है, अब क्या लेना है? चला जा यहाँ से, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बेटा। याद रख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुप, बहुत बकवास करती रहती है, जब भी देखो बकवास। प्रवचन देते तेरा मुंह नहीं थकता। देख गलत काम का नतीजा ना कभी अच्छा नहीं होता। चला जाए यहाँ से, चुपचाप चला जाए यहाँ से। मैं बोल रही हूँ चला जाए, चला जाए यहाँ से। कोई ये लाइट को क्या हो गया?
मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, मीरा घर पे वेट कर रही होगी, पर आप प्लीज़ उस डोनर के रिलेटिव से प्लीज़ मुझे मिलवा दीजिएगा। मैं एक बार पर्सनली मिलकर उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। श्योर, पर पहले मैं तुमको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा क्या राज है? दरवाजा खोल मीरा, दरवाजा खोल। तुझे पंगे लेने का बहुत शौक है ना? आज तुझे पंगे। मीरा का? उसका तो ऑपरेशन शुरू हो गया ना? मैं ये ऑपरेशन किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। अगले हफ्ते देखिए, आखिर दीवान क्यों नहीं चाहता कि मीरा की आंखों की रोशनी वापस आए। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर, प्लीज मेरी बात के यकीन करिए सर। जान, हर किसी को सजा देने वाले अंकल अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आपको सजा मैं दूंगी और वो भी सबके सामने। गुड्डन उर्फ तुम से ना हो पाएगा से हुई एक और गलती, खोदी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुम से ना हो पाएगा। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर ना, क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। अरे वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझने वाले। नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। प्यार में लॉजिक नहीं होता। तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में? लॉजिक नहीं, लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। तो तुम मुझे समझा रही? चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुँचूँ। पता है तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुँच जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें पहुँचने नहीं दूंगा। आप हारेंगे। I really like what you're wearing. You're looking beautiful. थैंक यू मनीषा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर इधर आना। जज मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो अपने मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला जाना चाहता था, उस रात हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। दीपक की गवाही ने साफ कर दिया है 5 साल पहले का दबा हुआ सच। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वेदिका ने खो दिया है अपना आपा? क्या इस मुकदमे के फैसले से और वेदिका की नाजुक हालत से साहिल आ जाएगा और करीब वेदिका के? क्या अपने बच्चों के प्यार से जल्द ही ठीक हो जाएगी वेदिका? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।